पिछले काफी लंबे समय तो बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई वख वख जथेबंदियां दे वल्लों कई मंग पत्र भी दिते गए ने, तां पहलां वी रोश मार्च किए गए ने, तां अज अमृतसर दी हैरीटेज स्ट्रीट के उपर कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा। तां फिलहाल असीं तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे, तुसीं देख सकते हो कि वख वख जथेबंदियां जां फिर होर वी एसोसीएशनां इत्थे पहुंचियां होईयां ने, तां उहनां दे वल्लों कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा। तां वख वख पोस्टर वी उहनां दे वल्लों फड़े गए ने जिहदे उत्ते लिखिया गया है कि जिहड़े बंदी सिंघ ने उहनां नूं रिहा किया जाए। तां तुसीं देख सकते हो कि ह्यूमन राइट एमरजेंसी हैल्पिंग एसोसीएशन भी इत्थे पहुंची हुई है, तो उन्होंने वालों कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा। तो लगातार गलबात भी असी करांगे, तो अकाली दल के यूथ प्रधान जो कि पहुंचे हुए गुरप्रताप सिंह टिकारी, की कहना चाहते हो जो कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है? अज बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते जिते देशों विदेशों के दे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अज भी इत्थे जिहड़ा अमृतसर दे विच हैरीटेज स्ट्रीट के उपर अकाल तख्त साहब जिहड़ा मार्च किया जा रहा है, वख वख जथेबंदियां सारियां कट्ठे हो के ये मार्च कढ़ रही ने। यह मनुखी अधिकारां दा जिहड़ा घाण कर रही है सरकार, जिन्हां दीआं सजावां पूरियां हो गईआं ने उन्हां नूं भी हजे तिकर इन्हां ने रिहाई नहीं दित्ती, उन्हां दे वास्ते वीरां दे वास्ते उन्हां भरावां दे वास्ते जिहड़े 22-22 26-26 साल तो 30-30 सालों तो कैद ने, उन्हां दी रिहाई दी मंग नूं लै के कीता। सरकार ने की है जी, क्यों नहीं रिहाई की जा रही जी उन्हां दी? जिहड़े ह्यूमन राइट्स का घाण कर रहे ने असीं उहदे खिलाफ ही कर रहे आ, जाण के सिखां नाल वतकरा ह्यूमन राइट्स का घाण कर रहे ने। किन्ने क बंदी सिंह ने जिहड़े रिहा होने वाले ने? उदा तो जिन्हां दी सजावां चल रही पर तकरीबन जिहड़े 18-20 ने जिन्हां दा ओके हो गया। चलो ओके यार, हुण यार इंटरव्यू बस कर दो, हुण देखिया कि उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि काफ़ी बंदी सिंह ने जिन्हों रिहा करना, फिलहाल सरकार उन्होंने रिहा नहीं कर रही, तो कई तरह के सवाल सरकार के उपर किए गए। तो वही गिनती के सिख जथेबंदियां तो होर भी एसोसीएशन वाले इतने पहुंचे हुए, तो उन्होंने वालों अज कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा। तो लगातार गलबात असी जारी रखांगे, तो साडे नाल ने होर भी सिख जथेबंदियां, तो सर की कहना चाहते हो अज कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा जी? देखो जी, ये जो कैंडल मार्च कढ़िया रहा बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते कढ़िया जा रहा वा, तो असी सारी सिख कौम नूं बेनती करते हैं कि आप सारे तगड़े होकर हमला मारीए, तो ये जिहड़ा बंदी सिंघां दी जल्दी तो जल्दी रिहाई कराइए, क्योंकि आप पिछे वेख्या लॉकडाउन दे विच कुछ ही दिन सानू अंदर रहना पिया, कुछ ही दिन सानू अंदर रहना पिया, तो आप चलते चलिए नाल कुछ दिन अही अंबर अंदर घर रहे, तो सानू जी काल पैन लग पी भी असं अपने घर अंदर जेलों वगू बंद हाँ, तो जे लंबे समय तो 30-30 सालों तो जेलों के बंद ने, उन्हों का की हाल होगा? तो सर की कहना चाहते हो, राम रहीम लगातार परोल दी आ रही है, तो काफ़ी लंबे समय तो सिखा वालों कहा जा रहा कि बंदी सिंह रिहा किया जाए, पर रिहाई नहीं मिल रही उन्होंने। देखो सरकार जी सिखा के नाल दोहरा मापदंड कर रही है, सिखा वास्ते दोहरा कानून क्यों? जदों राजीव गांधी के कातल वो रिहा हो सकते हैं, जेडे राम रहीम वर्गे बलात्कारी साध जेडे वो रिहा हो सकते हैं, तो बंदी सिंह जेडे अपनी सजावं पूरी कर चुके हैं वो क्यों नहीं रिहा हो सकते? मैं सरकार को अपील करनी चाहवागा कि आप जल्दी तो जल्दी बंदी सिंह रिहा करो, नहीं तो असी जल्दी ही ये प्रोग्राम बनावे कि दास मरण वर्तन पर पवेगा, तो मरण वर्त रख के भावें मेरी जान चली जाए पर मैं बंदी सिंह वास्ते कुरबान होना भी पसंद करा। किन्ने क बंदी सिंह ने जेडे रिहा होने वाले ने? जेड़े नौ सिंह वेखो दिते फोटो, ये सारे नौ सिंह ने जेड़े ये बेअंत सिंह बंब कांड के सारे दिन सजावं पूरी हो चुकिया वा, पर सरकार इन्हों हजे तक रिहा नहीं कर रही। टाइम हो चुका इन्हों सजा पूरी हुई नूं? कोई 25 साल तो अंदर आ, कोई 30 साल तो अंदर आ, कोई 22 साल तो अंदर आ, ये सारे लंबे लंबे समय तो बंद ने। असी सरकार को यह अपील करते हैं कि जल्दी ही इन्हों बंदी सिंह रिहा किया जाए। लगता कि कैंडल मार्च कढ़ने के नाल रिहाई मिलेगी जी? बिल्कुल, सरकार जी सोचेगी कि जेडे पंजाब के लोग ने सारे इकट्ठे होके तो ये वास्ते लामबंद हो रहे हैं, तो असी ये कुछ ही सारी गिनती है बहुत थोड़ी आ, मैं होर भी सारे जो पंजाब वासी ने जो पंजाब के नौजवान सिख ने उन्हां सारयां नूं बेनती करनी चाहूँगा कि आप सारे जने तकड़े होकर हमला मारीए, ये अज जी थोड़ी साड़ी गिनती इनू होर ज़्यादा वधाईए, तो सरकार के उत्ते दबाव बना के तो आप जल्दी ही जो बंदी सिंह रिहा करा सकीए जी। सर हुण अगे जाके अकाल तख्त साहिब ते अरदास भी की जाएगी जी? बिल्कुल जी, बंदी सिंघां वास्ते अरदास की जाएगी, सिख कौम हमेशा कोई भी कार्य करती आ उहदे वास्ते गुरु अगे अरदास करती आ कि साडी अरदास भी सतगुरु पातशाह कृपा करन प्रवान करन, ते जिहड़े बंदी सिंह लंबे समय तो जेलां दे विच बंद ने वह जल्दी अपने घरां दे विच परतन, अपने परिवार के नाल खुशखुशीली दा जिहड़ा टाइम वह बतीत करन जी।
ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਜਗਬਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।